एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो मफिन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, तो आज ना मैं अपनी सिस्टर का कैरेटिन करवाने जा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी कैरेटिन ट्रीटमेंट ले लूँ। अभी मुझे पता नहीं है, हो सकता है मैं करवा लूँ, हो सकता है ना करूँ। इरादा तो मेरा भी है पूरा, लेकिन आई डोंट नो मुझे ज़रूरत है। सब यही कहने नहीं ज़रूरत, मत करवाओ कैरेटिन। लेकिन मैं सोच रही हूँ, बार बार शादी के बाद भी हीट देनी है, स्ट्रेटनिंग करनी है और ये सब चीज़ें, तो इससे बेहतर है कि मैं कैरेटिन करवा ले रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर लेती हूँ, तो आप लोगों को भी साथ साथ लेके चलती हूँ। तो इसको मैंने कितना टाइम रह गया? 5 मिनट? घंटा? मुँह अच्छा ना, बात अच्छी किया करो। अच्छा जी, तो अभी हम सैलून आ गए हैं और हम फिर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। अल्लाह, ये जीप क्यों लाइट आ रही है? अच्छा जी, तो जाते ही शुक्र है काम शुरू हो गया, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स थे, लेकिन ये कि जाते ही काम शुरू हो गया। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हेयर वॉश का, पहले मेरी सिस्टर के हेयर वॉश हो रहा था, साथ ही उन्होंने मुझे भी कह दिया करने के बाद कि आप भी आ जाएँ तो आपका हेयर वॉश भी कर देते हैं। पहला स्टेप यही है हेयर वॉश का। फिर उन्होंने हेयर वॉश करने के बाद उन्होंने टॉवल रैप कर दिया, ठीक है ना। और फिर यह है कि ब्लो ड्राई कर रहे हैं टॉवल उतारने के बाद। तो यहाँ पर ना सेकंड स्टेप में ना उन्होंने ब्लो ड्राई किया था, तो मेरी सिस्टर का ब्लो ड्राई ऑलरेडी डन हो चुका है। तो यहाँ पर उसके हेयर पर कैरेटिन अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मेरा सेम टाइम पे ब्लो ड्राई हो रहा था जब उसका हो रहा था, और उसका पहले शुरू हुआ था ब्लो ड्राई होना। तो यहाँ पर उसका कैरेटिन अप्लाई करते, तो यहाँ पर फिर यह कि मेरा ब्लो ड्राई भी डन हो चुका था, तो यहाँ पर मेरे भी हेयर्स पे भी कैरेटिन अप्लाई कर रहे हैं। अल्लाह, इतना खींच खींच के अप्लाई कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा था कि आज मैं ना गंजी हो जाना है, यहाँ से गंजी होकर ही जाऊँगी। तो यहाँ पर मुझे जलन होने लगी थी, ये साइड पे ना लगा दिया था उन्होंने थोड़ा सा, तो कह रही थी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें तो थोड़ी देर जलन होगी फिर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लग चुका है सारा कैरेटिन पूरे हेयर्स पर। यहाँ पर मुझे ऐसे फील आ रहा था कि जैसे मैं कोई ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूँ और ऑपरेशन करने जा रही हूँ, वो भी बहुत सीरियस किस्म का। तो अच्छा जी, तो आपने ना मेरी सिस्टर के भी बाल देख लिए हैं ना, ठीक है ना, तो आपने बिफोर एंड आफ्टर ना बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है जी। और यहाँ पर यार मेरी बारी ही नहीं आ रही है, मेरी तरफ आ ही नहीं रहे। फाइनली उन्हें याद आ चुका है कि यहाँ पर मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ। उन्होंने जो मेरे बालों पे कैरेटिन अप्लाई किया है ना इतना, तो उसको उन्होंने ब्लो ड्राई भी करना है। मजाक कर रही हूँ, असल में ना क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो बस यही बात है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना मेरी सिस्टर का लास्ट स्टेप हो रहा है, ठीक है ना, और अभी यहाँ पर मेरा रेंडमली ब्लो ड्राई हो रहा है। असल में कैरेटिन अप्लाई करने के बाद ना ऐसे ही ब्लो ड्राई करते हैं हेयर को, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं छोटे छोटे चंक्स लेकर ना उसको दोबारा से ब्लो ड्राई कर रहे हैं वो। अच्छा यार, फाइनली इसके बाद ना सिर्फ लास्ट स्टेप रह गया, वो ये है कि इसी तरह से छोटे छोटे चंक्स लेकर ना इन्होंने ना आयरन करना है। तो अब ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मैं आपसे डायरेक्ट जो है ना अपने फाइनल लुक शेयर करूँगी, ठीक है जी। और आप मेरी हालत देख सकते हैं। आई एम डन विद द कर्टन एंड हियर इज माय फाइनल लुक। और अभी ना बाकी बातें जो ना मैं खाते पीते हुए बताऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो पेट में जूए दौड़े। ओके जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना हम ना रेस्टोरेंट में आ गए थे, सैलून के बिल्कुल नीचे ना रेस्टोरेंट था, वहीं पर हम आकर बैठ गए थे क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर थे बस, और हम अपने भाई का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना अपने बाल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जी, तो आपसे कुछ बातें शेयर करना रह गई थी, वो ये थी कि उन्होंने बोला कि आपने एक दिन छोड़ के उससे नेक्स्ट डे आना है, तो हम आपका हेयर वॉश करेंगे। फर्स्ट हेयर वॉश हम खुद करते हैं, तो शैम्पू आपने वही करना जो हम आपको सजेस्ट करेंगे, और 6 मंथ्स तक ना गारंटी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर खाना आ गया था और मैं इंजॉय करी थी, और अलकरम का पराठा रोल जो है ना बहुत टेस्टी है। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता है। आई होप यू गाइस एंजॉयड माय व्लॉग। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, और घर को चलते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।